हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ को हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकली समझते हैं कि बेसिकली आप लोग सभी जानते हो कि IIT-JEE में न्यूमेरिकल्स का कितना इम्पॉर्टेंस है। तो केपलर्स लॉ को न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे दिया जाए, मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लॉज को सिर्फ डेफिनेशन बाय वाइज देखें कि हाँ भाई ये लॉ ये कहता है, हम ये जानेंगे कि इनको क्वेश्चंस में भी कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। केपलर्स लॉस पे, वेल केपलर्स लॉ पे आने से पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में पहले एक ब्रीफ डिस्कशन सा कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉ ग्रेविटेशन के लिए दिया गया है और हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी। अब टोटल एनर्जी कंजर्व है यानी कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग एक बात तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी, इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर ये कांस्टेंट है, अब अगर हम बात करते हैं कि केपलर्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, तो केपलर्स लॉ अप्लाई होता है किसी भी प्लैनेट के मोशन के लिए। किसके अराउंड? अपने सन के अराउंड। तो सन के अराउंड जब कोई प्लैनेट घूम रहा होता है तो उस रिगार्डिंग में जब हम उस प्लैनेट के मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे हम लिख सकते हैं क्या, हाफ एम यू स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर कह लें, ज़्यादा प्रिसाइज हो लें। दिस इज मास ऑफ प्लैनेट। मैं मैकेनिकल एनर्जी भी प्लैनेट के लिए लिख रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लैनेट को एक पॉइंट मास मानते हुए और सन को भी एक पॉइंट मास मानते हुए, ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके रेस्पेक्टिव साइजेस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वैसे केस में अगर मुझे प्लैनेट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, प्लैनेट का मास और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं पोटेंशियल ड्यू टू सन एट पोजिशन ऑफ प्लैनेट। तो ये हम लोग ऐसा लिखेंगे। अब केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ के अनुसार ये कहा कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमता है। तो पहला चीज़ जो है उसका फर्स्ट लॉ, इसके अनुसार अगर हम चलें तो व्हाट ही सेड इज कि अगर हम एक एलिप्स ड्रॉ कर लें तो प्लैनेट इस एलिप्टिकल पाथ में मूव करता रहेगा। और उसने सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया कि सन एलिप्स के एक फोकस पे होगा। इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को हम समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि एक एलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो दो फोकस में से एक फोकस पर सन को उसने अज्यूम किया और यह कहा कि जो प्लैनेट है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर किसी इंस्टेंट पर मैं प्लैनेट को यहां पर पोजिशन मानूं टाइम टी पर, तो जो हम बात कर रहे थे, अगर सन से प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मैं आर मान लूं, प्लैनेट की वेलोसिटी टेंजेंशियल इस इंस्टेंट पर वी, तो इसके हिसाब से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिख पाएंगे, लेट्स सी। प्लैनेट का मास है एम पी, सन का मास हमने एम एस मान लिया, तो एक पॉइंट मास के कारण अपने से आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसका अगर हम फॉर्मूला लगा दें, वी ऑल नो इट वेरी वेल, क्या होता है, माइनस जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू एम एस डिवाइडेड बाय आर। तो कुल मिला के बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, दैट इज की मैकेनिकल एनर्जी प्लैनेट के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। तो अब हम लोग आगे की चीजें और देखते हैं।
एक कॉन्सेप्ट हमें यह याद रखना है प्लैनेट के मोशन के लिए, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि जब यह प्लैनेट चारों तरफ इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा सन के, तो आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी इंस्टेंट पर, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पे दिखाऊं, सो ये कैसा फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लग रहा है, इसके अलावा प्लैनेट पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का कोई टॉर्क यहां नहीं लगेगा। तो जब किसी भी इंस्टेंट पे टॉर्क नहीं लग रहा है सन के अबाउट, व्हाट वी कैन सेकेंडली से इज कि एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑफ प्लैनेट, किसके अबाउट, अबाउट सन, सन के ऑब्वियसली सेंटर के अबाउट, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, एक कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर हम बात करें। तो हम ये दो कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर लग रहा है, हर एक इंस्टेंट पे प्लैनेट कहीं भी पोजिशन होगा, फोर्स हमेशा सन की तरफ होगा, तो उसका कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये दोनों की पॉइंट्स हैं जिसको हमें लेकर के चलना ही है। तो केपलर्स लॉ पे वापस आते हैं, तो केपलर्स लॉ में हमने फर्स्ट लॉ जैसे लिखा यहां पर कि प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अबाउट घूम रहा है और सन कहां पर, एक फोकस पे है। तो हम लोग यहां पर क्विकली एलिप्स के कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जान लेते हैं, वो भी ब्रीफ अंदाज में, जो कि हमें फिजिक्स में हेल्प करेगा। अगर मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूं, तो आप सभी ने यह पढ़ा ऐसा कि इसके दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस है मेजर एक्सिस, इसका लेंथ यूजुअली हम लोग 2a से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हाफ ऑफ लेंथ हो गया AA। वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर गैप देखें, दिस गैप इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज 2b। ये एलिप्स का सेंटर है, इसको ओरिजिन हमने नाम दिया, इसको हम लोग एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस नाम देके चल रहे हैं। एलिप्स का अगर इक्वेशन लिखा जाए, आप सभी जानते हो कि ऐसे फॉर्म में अगर एलिप्स हो तो एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर्ड अपॉन ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब यहां पर सन को एक फोकस पे माना गया है। एलिप्स के कितने फोकस होते हैं, तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक फोकस इसको मैंने एस वन माना, दूसरा फोकस एस टू। अब इनका प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज एट इंटू ई, यानी ये दोनों फोकस ए ई डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं सेंटर के रिस्पेक्ट में। अब ये जो ए ई है, इसमें ई क्या है, ई को यहां पर हम एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स कहते हैं। ये आप कोनिक्स में पढ़ते हो, अलग अलग कोनिक्स होते हैं, जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, उनके लिए हम लोग एसेंट्रिसिटी डिफाइन करते हैं। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एलिप्स के लिए किस तरह से रिलेटेड होता है, इसका सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी लेंथ का इज ए टाइम्स, यानी सेमी मेजर एक्सिस ए टाइम्स अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर। तो ये रिलेशन है बी और ए और एसेंट्रिसिटी के बीच में, यानी अगर आपको बी और ए दिया हुआ है तो आप इजीली ई कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एलिप्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एलिप्स का एरिया। अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है यहां पर, जो कि इन चारों भागों में सिमेट्रिकली बटा हुआ है, सो दिस एरिया इज पाई ए बी। इसी में अगर ए और बी बराबर कर दिया जाए, तो ए और बी अगर आप बराबर करते हो यानी एसेंट्रिसिटी को जीरो कर देते हो, तो ये सर्कल का केस हो जाता है, जिसमें कि आप इजीली एरिया कह सकते हो पाई ए स्क्वायर है। तो हमें ये दो पॉइंट्स ध्यान रखना है। अब इन दोनों चीजों को उठाकर हम चेक करते हैं कि केपलर्स लॉ में ये कैसे मदद करता है हमें न्यूमेरिकल्स को समझने, उनको सॉल्व करने में।
अब वापस आते हैं, अगर हम सन को एक फोकस पर बैठा दें तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस पूरे एलिप्टिकल ऑर्बिट में दो ऐसे पोजीशंस हैं जिस जगह पे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विथ रिस्पेक्ट टू सन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो अगर मान ले कि प्लैनेट इस सेंस में रिवॉल्व कर रहा है तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा पोजीशन आएगा और एक ऐसा पोजीशन आएगा। इन दोनों पोजीशंस पर वेलोसिटी वेक्टर और प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। और एक चीज इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है प्लैनेट का वो सन से फार्देस्ट है, यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन पे है, और ये जो सेपरेशन है ये मिनिमम है। तो जो सबसे पास वाला पोजीशन होता है, सबसे वाले पास वाले पोजीशन को हम लोग पेरिजी या पेरिहेलियन पोजीशन कहते हैं, इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, और जो सबसे फार्देस्ट वाला है इसको हम लोग एपोजी या एफिलन कहते हैं। तो ये दो पोजीशंस हैं, तो इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे यहां पर कि ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम सेपरेशन वाला होगा आर मैक्स, और ये वाला जो सेपरेशन है ये मिनिमम सेपरेशन वाला होगा। और चूंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वड है, एंगुलर मोमेंटम को आप एम वी आर भी लिख सकते हो किसी इंस्टेंट पे, तो अगर प्लैनेट का मास एम पी मान के v इंटू आर लिखें तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर सेपरेशन मैक्सिमम है यानी एपोजी पर, उस जगह पर स्पीड क्या होना चाहिए? मिनिमम। और जहां पे सेपरेशन मिनिमम है वहां पर स्पीड क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड्स इन दो पोजीशंस पे हमें ऑब्टेन होते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो अभी हमने जैसे एलिप्स में देखा, तो यहां पर हम आर मैक्स आर मीन कैसे बता सकते हैं? अगर ये पूरा डिस्टेंस यानी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो अगर 2a है तो आप अब साफ साफ बता सकते हो, हमने देखा कि सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होता है? a होता है। अब सेंटर से डिस्टेंस a है और ये कितना है? ae। तो ये अगर ae हुआ और ये डिस्टेंस a है तो r मिनिमम का वैल्यू हमें मिल जाता है। r मिनिमम कितना मिल गया? a माइनस ए, यानी a इंटू वन माइनस ई। और वैसे ही r मैक्सिमम की बात करें, यह भी लेंथ a है तो r मैक्सिमम कितना हो गया? ए प्लस ए। सो r मैक्स इक्वल्स टू a इंटू वन प्लस ई। तो r मिन और r मैक्स के वैल्यूज जब हमें मिल जाते हैं तो यूजिंग v इंटू आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं यहां से कि जो प्लैनेट का मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का रेशियो होगा, दिस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ आर मैक्स टू आर मिन। तो ये आर मैक्स अपॉन आर मिन के बराबर ही हो जाएगा, यानी वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। तो एक तरह के न्यूमेरिकल्स जहां पे आपको एलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हो, तो पहली बात आप यूजिंग द फॉर्मूला b इक्वल्स टू a अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर, इससे एसेंट्रिसिटी निकाल लें, राइट? एसेंट्रिसिटी आ जाएगा r मीन और r मैक्स, मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द सन, ये दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी यही आएगा, दैट इज वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। तो यहां पर हमने फर्स्ट लॉ और एलिप्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस किए। अब हम क्विकली बढ़ जाते हैं केपलर के बाकी लॉस पर। अब बात करते हैं केपलर के सेकेंड लॉ की। केपलर का सेकेंड लॉ सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह कहता है कि सन से प्लैनेट को जो लाइन जोड़ता है, दैट इज हम उसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं,
तो रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो एरिया स्वीप करेगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल। कहने का मतलब हुआ कि एरिया पर यूनिट टाइम जो स्वीप होगा किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर। क्या है रेडियस वेक्टर? प्लैनेट और सन को जोड़ने वाला जो लाइन है, तो वो जो एरिया स्वीप कर रहा है पर यूनिट टाइम वो हर दौरान कांस्टेंट रहेगा। सो ये इसका सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ एक्चुअली इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर कंजर्वेशन, इसी चीज पे बेस्ड है और हम लोग इसको क्विकली प्रूफ भी कर लेते हैं। तो इसका ये कहना है कि एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर अगर आप इतना एरिया कवर करते हो इतने टाइम इंटरवल में, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट बोलो या एवरेज रेट बोलो एरिया का, या टोटल एरिया कवर्ड। अब टोटल एरिया कितने टाइम में कवर होगा, हम सभी जानते हैं कि टोटल एरिया कवर करने का टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कह सकते हैं, कैपिटल टी। ये सभी वैल्यूज सेम होंगे एंड दिस विल बी कांस्टेंट। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है या फिर होगा कितना। डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाते हैं कि ये सन है, ये अगर सन है किसी इंस्टेंट पर, अगर प्लैनेट इस जगह पर है टी इक्वल्स टू टी वन पे, और इसने एक टी इक्वल्स टू टी प्लस डी टी, टी वन प्लस डी टी टाइम पे ये एरिया कवर किया, इस एरिया को मैंने नाम दे दिया डी ए वन। किसी दूसरे इंस्टेंट मान लेते हैं टी बराबर टी टू पर ये प्लैनेट यहां पहुंचा हो और फिर वो डी टी टाइम फर्दर में इतना एरिया कवर कर गया हो, इस एरिया को हमने नाम दे दिया डी ए टू। तो सेकेंड लॉ के अनुसार डी ए टू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी ए वन अपॉन डी टी। तो ये केपलर का सेकेंड लॉ है। अब इसको रिलेट कैसे करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, या इसका वैल्यू कैसे निकालें, ये चेक कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा कि अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर सन से प्लैनेट का रेडियस वेक्टर बना लें, इसका लेंथ आर है, और ये एक स्मॉल टाइम में इतना एरिया स्वीप करता है, तो मान लिया ये डी टी टाइम में डी ए एरिया स्वीप कर रहा है, तो ऑब्वियस से बात है कि ये जो एंगल होगा इस एंगल को भी हम लोग स्मॉल बोलेंगे, इसको हम लोग डी थीटा लिख लेते हैं। तो इस बेसिस पर व्हाट वी कैन से इज जो एरिया होगा, इस एरिया को अप्रोक्सीमेशन से हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगा करके, सो दिस विल कम आउट एज हाफ इनटू आर इनटू, ये वाला लेंथ को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं आर इनटू एंगल दैट इज आर डी थीटा, ये वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड में डी टी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो डी टी टाइम से अगर डिवाइड कर दें व्हाट वी गेट इज आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, पर डी थीटा बाई डी टी को हम लोग इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी कह सकते हैं, सो दिस गिव्स अस आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी यहाँ पे एक टू भी था उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू। अब अगर मैं अपने मन से ऊपर नीचे मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या मिलता है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लैनेट का मास और डिवाइडेड बाई टू टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, पर एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या हुआ, एम आर स्क्वायर को आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लैनेट सन से, और ओमेगा एंगुलर स्पीड यानी आई ओमेगा का फॉर्म है, तो आई ओमेगा क्या होता है, आई ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, सन के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट। अब हमने पहले ही बात कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है और प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट है, तो इससे क्या आ गया, डी ए बाई डी टी ये भी कांस्टेंट हो गया। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एक और हमें देखने को मिला, सेकेंड लॉ से ये हम कह सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टू टाइम्स मास ऑफ द प्लैनेट, और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। सो इसका वैल्यू हम लोग टोटल एरिया अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये दोनों चीजों की हमने बात करी यहां पे। तो अभी हमने जैसे देखा कि डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू एल बाई टू एम पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एरिया पर यूनिट टाइम का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ पे अभी सेकेंड लॉ तक थियोरिटिकल डिस्कशन किया। अब इसका एक और लॉ, केपलर का थर्ड लॉ, और इन चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, ये हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू।